हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिंत्रा पे सेल चल रहा है, आई थिंक सभी को पता होगा। फिलहाल बहुत खतरनाक वाला सेल चल रहा है, पर ये अभी के प्रोडक्ट नहीं है, अभी के तो रखे हैं। मैं आपको उनका भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये इससे पहले जो सेल चला था उसकी वीडियो थी, मुझे टाइम नहीं मिला था, इस वजह से मैं बना नहीं पाई थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। तो पैसे वेस्ट मत करना, ये वीडियो देख लेना, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी। मतलब बहुत सारे लोग अपनी वीडियो में रिश्तेदारों की बुराई कर करके पता नहीं व्यूज़ कैसे पा लेते हैं। मेरे जो वीडियो हैं उनमें से सिर्फ मीशो वाले वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, बाकी किसी भी, मैं आपको बिल बता रही हूँ और मैं बातें कुछ और कर रही हूँ। तो ये पर्दे का बिल था जो 100 आपने प्राइस देखी होगी, पिच मैंने लगा दी थी उसमें देखी होगी। तो ये काफ़ी अच्छे पर्दे हैं, तो इनकी लेंथ 7 फुट है। इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, रिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, कलर वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। इसका ये जो वाइट वाला जो कपड़ा लगा हुआ है, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, बट वो शायद हो सकता है धोने के बाद ख़राब हो जाए, तो आपको इसको केयरफुली धोना पड़ेगा मशीन में। आई थिंक इसको धोने में ही जल्दी ख़राब होते हैं, तो बस उस चीज़ का ध्यान रख लेना। बाकी ये काफ़ी अच्छे पर्दे हैं, मतलब ये था 150 के अंदर, 2 पर्दे 7-7 फुट के आपको मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे हैं। इनकी रिंग, ये जो कपड़ा है ये, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, बैक साइड से देख सकते हो। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, लुक काफ़ी अच्छा है, कलर काफ़ी अच्छा है। तो ये तो आप मंगवा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, अगर आप लोगों को पर्दे की नीड है तो। ये तो काफ़ी, मुझे नीड नहीं थी, उसके बावजूद भी मैंने ये वाले पर्दे मंगवा लिए क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए। मैंने पर्दे तो एक और मंगवाए हैं, उनको भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो 250 के दो थे, बट उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इनकी थी। तो मैंने ये 2 क्वान्टिटी यानी कि 4 पर्दे मंगवाए हैं 2 बार में करके। तो ये सेकेंड वाला पार्सल जो मैंने ओपन भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने देख लिया था फर्स्ट पार्सल में काफ़ी अच्छे पर्दे आ गए थे, इस वजह से मैंने सेकेंड वाला ओपन नहीं किया। तो इसमें भी ये पर्दे हैं और कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये रिसीव होंगे आपको। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग, ये एक बार खुलने के बाद दोबारा ऐसे पैक नहीं होते। मैंने इनको ट्राई किया था दोबारा पैक करने का, पर नहीं होते। इनकी प्राइस आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, ये 1100-1200 के आसपास इनकी प्राइस इन लोगों ने भेजी है, और काफ़ी अच्छे से पैक होके आए हैं। से नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये है, सेल में आपको 49 के टी शर्ट काफ़ी चले थे, तो मैंने मंगवाए अभी शायद कल या कल भी ये 49 वाला टी शर्ट वाला चला था, उसमें मेंस, गर्ल्स, बॉयज़, बच्चों के सबके चले थे। उसमें भी मैंने काफ़ी सारे ऑर्डर किए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट है, मैंने इनको धो के सब कुछ वेयर कर कुरा के आपके साथ रिव्यू दे रही हूँ। काफ़ी अच्छे हैं, मतलब नॉर्मल मार्केट में 200 से कम का एक टी शर्ट नहीं आएगा। मिंत्रा पे आपको ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में पड़ रहे हैं, तो इनकी क्वालिटी, कपड़ा वगैरह आप देख लो, लुक भी कितना अच्छा है, साइड में इमेज देख लो, प्राइस देख लो, 79 का है। ये जो ब्रांड है, टैग के साथ इन्होंने लोगों को भेजा है, जो भी ब्रांड है ये देख सकते हो, और इसकी प्राइस वगैरह देख लेना। प्राइस इसकी इस टैग पे बहुत ज़्यादा है, इतने का तो खैर नहीं होगा, पर 200-250 में ये नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो आप ये मंगवा सकते हो, ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे टी शर्ट है। 3 मैंने मंगवाए थे, तीनों की साइज़ अलग अलग थी। एक मैंने 4 से 5 साल का मंगवाया था, दोनों एक्चुअली ये दोनों ब्लू कलर के 4 से 5 साल का, ये वाला और ये वाला दोनों 4 से 5 साल का मंगवाया था, पर ये थोड़ा सा बड़ा था, तो आप साइज़ वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के लेना। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो ये साइज़ फिट होगी, वरना ये थोड़े से लूज़ रह सकते हैं। तो ये येलो वाला था वो 95 का मुझे पड़ा था, बाकी ये दोनों 79 यानी कि 250 रुपये के आसपास मुझे 3 टी शर्ट पड़ गए थे। तो आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, मैं कह रही थी कि रिश्तेदारों की बुराई कर करके व्यूज़ कलेक्ट कर लेते हैं, पर मुझसे नहीं होती, हालांकि मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं इतने। तो कोई अगर मेरे रिश्तेदार वीडियो देख रहा होगा, वैसे मेरे रिश्तेदार मेरी वीडियो नहीं देखते, शायद उनको लगता होगा कि मेरी वीडियो फालतू है, पता नहीं, मेरे रिश्तेदार कम ही वीडियो देखते हैं, पर फिर भी मैं बुराई नहीं करूँगी उनकी। अच्छा, तो चलो ये वाला सबसे थर्ड क्लास प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। पूरे वीडियो में आई थिंक मुझे सबसे बेकार वाला यही प्रोडक्ट लगा था।
अच्छा ये डव का था, आई थिंक हेयर रिपेयरिंग स्प्रे कुछ ऐसे करके इसका नाम था मुझे, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा इसके नाम वगैरह, वरना मैं पढ़ के बता देती। इसके MRP 600 या 700 के आसपास है और इसकी एक्सपायरी अगस्त में, यानी कि 2-3 महीने बाद ही एक्सपायर हो जाएगा, तो ये 2-3 महीने में तो ख़त्म भी नहीं होगा, तो इससे इतनी जल्दी एक्सपायर होगा। 180 का ये मुझे पड़ा है, साल भर पहले इसका काफ़ी ट्रेंड चला था, मैंने इसको यूज़ भी किया है, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा ये, ना तो इसकी क्वालिटी अच्छी लगी, ना इसकी प्राइस अच्छा लगा, ना इसका एक्सपायरी, तो कुछ भी, सबसे घटिया प्रोडक्ट मुझे ये लगा है। तो ये तो आप बिल्कुल ही ट्राई मत करना वहाँ से, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, फिर भी आप ट्राई करना चाहते हो तो देख लेना, कोई भी सेल आए तो मंगवा लेना। एंड ये वाला था पतंजलि का शैम्पू, इसमें आपको वहाँ पे वैरायटी वगैरह काफ़ी सारी मिल जाएगी, मतलब जैसे आपकी हेयर है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करके मंगवा सकते हो। मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने तो वैसे ही रैंडम आया तो मैंने रैंडम मंगवा लिया था। इसमें भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, तो पहले इसकी एक्सपायरी बात कर लेते हैं। तो ये 11/2023 में बना हुआ है और 24 मंथ इसकी एक्सपायरी, यानी कि अभी 1.5 साल बचा हुआ, तो 1.5 साल में आराम से ये यूज़ हो जाएगा, तो इसकी तो एक्सपायरी की कोई चिंता है नहीं। बाकी मैंने इसको अभी ट्राई किया नहीं है बालों में, ये कैसा वर्क करता है, अगर किसी ने ये वाला शैम्पू ट्राई किया है तो रिव्यू मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया, और इसकी पैकेजिंग इतनी घटिया आई थी, ये कुछ इस तरह टेप लगा के उन लोगों को भेजा था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी सब कुछ अच्छा है, प्राइस के लिए इसके बिल में प्राइस अच्छे से शो नहीं हो रही थी, तो इसके प्राइस क्या ही बताना, मैं साइड में लगा दूंगी। 195 का मुझे पड़ा था, मैंने 2 क्वांटिटीज़ की ऑर्डर की थी, दोनों के वेरिएंट अलग अलग थे, मतलब वो वाला दूसरे था, ये वाला दूसरा है, तो आप देख लेना। ये तो काफ़ी अच्छा, मैं वैसे यूज़ नहीं किया तो मैं ये नहीं कह सकती, बहुत अच्छा वर्क करता है, पर हाँ शैम्पू की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे ये वाला लगा था, इसमें है क्लींजर है और शायद टोनर एंड मॉइस्चराइज़र है, जो तीनों मुझे 119 में पड़े थे। आई थिंक इसकी प्राइस काफ़ी हाई है, पर सेल में ये पहले भी चले थे, उस टाइम मैंने सोचा था मंगवाऊँ या नहीं मंगवाऊँ, उसके बाद दोबारा चले थे। ये मॉइस्चराइज़र है, मॉइस्चराइज़र आप सर्दियों में यूज़ करोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि इसको लगाने के बाद पसीने आते हैं। टोनर काफ़ी अच्छा है, क्लींजर तो मेकअप के बाद यूज़ करो तो आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फेस वॉश की तरह वो यूज़ नहीं होता, पर तीनों 119 में है तो काफ़ी अच्छे हैं, तो ये तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो अगर ये आपको दिखे तो। ये क्यों, मैंने ये अपनी दूसरी आईडी से मंगवाया था जो मैंने डिलीट कर दी, अब वो डिलीट क्यों की है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी कि डिलीट 2-3 बार मैंने अपनी आईडी डिलीट की थी। अच्छा ये वाला परफ्यूम है, ड्यूर का परफ्यूम है, ड्यूर की परफ्यूम आई थिंक आप लोगों को पता होगा कितने ज़्यादा महंगे आते हैं। मैंने उस टाइम इस पर ऑफर चला था तो मैंने बहुत सारे थे, पर पता नहीं मैंने क्यों ये वाला मंगवा लिया। इस पर स्वीट ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है, इसकी एक्सपायरी 2028 है, जो काफ़ी अच्छी बात है, और इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पैकेजिंग लुक वगैरह काफ़ी अच्छा है बट फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी नहीं है इसकी, तो ये मैं इसकी आपको पूरी वो बता रही थी साइड साइड में घुमा घुमा के, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा और मैं आप लोगों को घुमा घुमा के बता रही हूँ। इसका पैकेजिंग आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, पर इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं इसकी फ्रेग्रेंस मैं आपको बता सकती हूँ, आई थिंक इत्र होते हैं ना, इत्र की जैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, जो मुझे तो पसंद नहीं है। जिसको पसंद हो वो ये वाला वेरिएंट मंगवा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट मौजूद थे, बट पता नहीं मैंने ये स्वीट सोच के क्या रिश्ते, जैसे रिश्तेदार स्वीट स्वीट बोल के अपने पास आ जाते हैं और वो अच्छे नहीं लगते, वैसे ही कुछ ये है, स्वीट सा नाम स्वीट है बट मुझे पसंद नहीं आया ये। अच्छा नेक्स्ट प्रोडक्ट ये वाला था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट था ये, पूरे वीडियो में मैंने सारे प्रोडक्ट दिखा दिए, रो काजल छोड़ दिया जो मुझे अभी साइड में पड़ा हुआ दिख रहा है। ये है स्विस ब्यूटी का प्राइमर प्लस लूज पाउडर, कुछ ऐसा ही नाम था इसका। ये आप देखते हो स्विस ब्यूटी का सेटिंग मैट फिनिशिंग सेटिंग पाउडर, क्या मस्त पाउडर है, 80 रुपये का आसपास मुझे ये पड़ा होगा, या फिर इससे भी कम का, मुझे याद नहीं है, आई थिंक मेरे को 80 से भी कम का ये पड़ा होगा। इतना अच्छा सेटिंग पाउडर है, अगर आप लोगों के पास सेटिंग पाउडर नहीं है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। अभी भी इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है, पर फिर भी अगर आप लोगों में थोड़ा सा पेशेंस है तो इसको आप ऐड टू कार्ट करके रख लेना और इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैंने अपने हाथ पे लगाया था, अपने मेरे हाथ पे ऐसे हो रहा था जैसे कोई मक्खन लगा, मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट मेरा हैंड हो गया था। आप देख सकते हो फिनिशिंग कितनी अच्छी है,
और इतना सॉफ्ट हो जाता है, आप इसको मेकअप से पहले भी लगा सकते हो, मेकअप के बाद भी लगा सकते हो, प्राइमर की तरह, प्राइमर से भी ज़्यादा सॉफ्ट स्किन हो जाती है मेरे, शायद मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरे हाथ पे इतना सॉफ्ट हो गया था इसको लगाने के बाद। तो ये तो ज़रूर, इसका अगर लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको दे दूँगी लिंक। एंड माई ग्लेम का प्रोडक्ट, ये मैंने सबसे कम प्राइस में मैंने ये वाला प्रोडक्ट मंगवाया था, माई ग्लेम का लाइनर है, और इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कम है, आप लोग देखना है आगे, इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूँगी। बहुत अच्छा लाइनर है, मतलब माई ग्लेम से मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए पर कभी ये ट्राई नहीं किया था। ये मैंने मिंत्रा पे ही इतने कम ऑफर में मिला था, 33 रुपये में मुझे लाइनर मिल रहा है, और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। वैसे मैंने इसको वेयर नहीं किया, पर इसकी जो आगे का पॉइंट है इतना शार्प है कि इतना बहुत अच्छा लाइनर इससे लगता है। लाइनर मेरे पास बहुत सारे हैं पर मैंने कभी इसको अभी तक वेयर करके देखा नहीं है कि ये कितने टाइम तक स्टिक करता है, बट काफ़ी अच्छा लाइनर है। 33 रुपये के हिसाब से आपको इतना अच्छा लाइनर मिलता है, और इसकी टिप इतनी शार्प है, आप मोटा पतला जैसा भी लाइन हो वैसा ड्रॉ कर सकते हो, विंग बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा मुझे लाइनर लगा है, तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आए, तो इसको भी ऐड टू कार्ट करके रख सकते हो, अगर ऑफर में आता है तो आप चेक कर लेना, मिंत्रा के ऑफर चलते रहते हैं। फिलहाल सेल खत्म हो गई है, बट अभी एक महीने बाद फिर से आ जाएगी, उसमें आप देख लेना, ऐड टू कार्ट करके रखना है, विस्ट लिस्ट में रखना, प्राइस कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो वो आप चेक कर लेना वहाँ पर। अब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसी टाइम सारे मैसेज आना है, पों पों पों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुश रह के टेक केयर।